कोरोना से सब बेफिक्र हैं, लेकिन इस सोच में बंगाल का आगे क्या होगा जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। ये बहुत संक्रामक लहर है जिसमें हर रोज तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और रोज नए केस के रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोरोना की नई लहर की चपेट में पूरा देश है, लेकिन पश्चिम बंगाल की परवाह किसे है? परवाह होने की बात तो दूर, क्या किसी को ये भी पता है कि यहाँ कोरोना के कितने केस हैं, कितने नए मामले आ रहे हैं और हालात कैसे बिगड़ गए हैं? पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4,398 नए मामले सामने आए हैं। अकेले कोलकाता में 469 केस आए हैं। पूरे बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस 23,000 के पार पहुंच चुके हैं। बंगाल उन 16 राज्यों में से एक है जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार कैसे कम होगी जब चुनाव के बीच हर तरफ लापरवाही दिख रही है? लंबे लंबे रोड शो, बैक टू बैक रैलियां, हजारों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, हर तरफ बिना मास्क लगाए लोग दिखते हैं। बंगाल में जब से चुनाव हो रहे हैं तब से एक्टिव मरीजों की संख्या 300% से ज्यादा बढ़ गई है। ये आंकड़ा तब है जब अभी सिर्फ 4 चरण के चुनाव हुए हैं और 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। जब बंगाल में आधा चुनाव बीत गया और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ गईं, तो चुनाव आयोग को नियमों की याद आई है और ये कहा गया कि अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो रैलियां बैन करने में संकोच नहीं होगा। आयोग ने सभी दलों और उम्मीदवारों से रैलियों और रोड शो के दौरान समर्थकों को फेस मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने को कहा है। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की बात कही। चुनाव आयोग ने वही नियम याद दिलाए जो चुनाव के ऐलान के वक्त तय किए गए थे, लेकिन जब पार्टियों, उनके प्रचारकों और उम्मीदवारों ने पहले ये निर्देश नहीं माने तो क्या अब वो मानेंगे, ये कहना मुश्किल है। सवाल ये है कि कोरोना की नई लहर के बीच क्या ऐसी बेफिक्री बंगाल पर भारी नहीं पड़ेगी और क्या ऐसी चुनावी भीड़ आने वाले दिनों में बंगाल में कोरोना विस्फोट नहीं करेगी? आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।